ये चैनल आई टी स्टूडेंट और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज अपन पढ़ते हैं मरकरी वेपर लेम का दूसरा भाग कौन सा है, निम्न दाब मरकरी वेपर लेम। ठीक है, जैसा कि अपन ने हाई प्रेशर मरकरी वेपर लेम तो पढ़ लिया था, जिसको अपन उच्च दाब मरकरी वेपर लेम बोलते हैं। ठीक है, अब कौन सा पढ़ते हैं अपन, मरकरी वेपर लेम का दूसरा भाग कौन सा है अपना, निम्न दाब मरकरी वेपर लेम। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, जो लैम्प जिस लैम्प में क्या भरी जाती है, जो भी गैस भरी जाती है मरकरी वेपर, वो क्या होता है निम्न दाब पर भरा जाता है, इसीलिए इसे कौन सी गैस कहते हैं, निम्न दाब मरकरी वेपर गैस कहते हैं। अब देखो इसे फ्लोरोसेंट लैम्प भी कहते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, फ्लोरोसेंट लैम्प भी है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें देखो क्या होता है, निम्न शक्ति व्यय करने के पश्चात उत्तम प्रकाश की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। क्या होता है इसमें, जो भी शक्ति व्यय होता है, यानी इसकी पहली चीज़ तो क्या होती है, शक्ति की जो खपत होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, और कम शक्ति के साथ साथ ही दूसरी इसका उपाय सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है इसमें, कि जो भी प्रकाश होती है वो बढ़िया प्रकाश उत्पन्न होता है इसमें, इसी ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं इनका उपयोग अपन करते हैं। और ये प्रायः किस वाटेज बनाए जाते हैं, 20 वाट, 40 वाट और 80 वाट, ये 20 और 40 वाटेज की कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। किस कार्य के लिए प्रयोग करते हैं अपन, 20 और 40 वाटेज के कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं अपन इसको काम लेते हैं। अब इसके क्या होते हैं, सबसे पहले इस लैम्प के तीन प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं तीन सबसे मुख्य घटक होते हैं। अब उसमें देखो सबसे पहला घटक कौन सा है अपना, सबसे पहला घटक है अपने पास स्टार्टर। ठीक है, सबसे पहला घटक कौन सा है इसका, स्टार्टर। अब देखो इसमें क्या होता है, स्टार्टर में सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें हीलियम गैस भरी जाती है और जो भी सर्किट होता है ट्यूबलाइट का, उसके श्रेणी क्रम में फिलामेंटों के श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है। ठीक है, और तो ये क्या करता है, यानी एक प्रकार से स्पार्किंग पैदा करता है, चिंगारी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उस चिंगारी से क्या होता है कि इस सर्किट में गैस उत्पन्न, जो भी गैस भरी जाती है उसमें डिस्चार्जिंग क्रिया प्रारंभ हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक वाली, और उससे क्या होता है कुछ क्षण के लिए इसमें विद्युत धारा प्रवाह इसमें से प्रवाहित होकर अपना जो सर्किट होता है उसको चालू कर देता है, यानी रोशनी उत्पन्न करने लग जाता है, जो भी रोड होती है ट्यूबलाइट रोड वो। ठीक है, इस तरीके से काम में लेते हैं अपन। अब देखो इस बल्ब में ऐसी स्विचिंग युक्ति होती है जो किसी परिपथ को 20-25 बार ऑन ऑफ करती है। इस बल्ब में ऐसी स्विचिंग युक्ति होती है, ठीक है, जो इस परिपथ को पूरे को क्या करती है, 20-25 बार ऑन ऑफ करती है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, इसमें हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है इसमें, हीलियम गैस भरी जाती है। ये स्टेटर लाल बैंगनी रंग का क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। कौन सा प्रकाश उत्पन्न करता है, ये लाल बैंगनी रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। अब ये जो हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरने से इसमें कौन से लाल बैंगनी रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, और इस स्टार्टर को क्या कहते हैं अपन, ग्लो टाइप स्टार्टर भी कहते हैं। ठीक है, स्टार्टर जो होता है ये वाला, इसको कौन सा स्टार्टर बोलते हैं अपन, ग्लो टाइप स्टार्टर भी कहते हैं। अब देखो इसका ये डायग्राम है, पहली चीज़ तो इसमें क्या होता है, कैपेसिटर लगाया जाता है। ठीक है, छोटा कैपेसिटर होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर होता है वो लगाया जाता है इसमें, और ये अपना एक सर्किट होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, एक द्विधातिक पत्तियाँ होती है, जो क्या होती है, इन दोनों के बीच में स्पार्किंग पैदा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पार्किंग पैदा होता है। स्पार्किंग पैदा होने की वजह से क्या होता है, इसमें गैस भरी जाती है, और उस गैस में क्या होती है, डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसी तरीके से क्या करता है, ये स्टार्टर अपना काम करता है। ठीक है, आया समझ में, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आराम से समझ में आने वाली चीज़ है। मोस्ट चीज़ें मैंने इसमें लिखी है आपके सामने, ये वाली जो सारी चीज़ें मोस्ट चीज़ें लिख के आपको समझाया। ठीक है, आगे अपन देखते हैं अब इसका दूसरा टाइप।
अब अपन देखते हैं चौक। ठीक है, चौक क्या होता है? ट्यूबलाइट के जो सप्लाई होती है, सप्लाई के हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, फेज की श्रेणी में लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। और इसमें देखो क्या होता है, ये एक उच्च प्रेरकीय प्रतिघात वाला प्रेरक होता है। उच्च प्रेरकीय प्रतिघात यानी एक्सएल जो होता है उसका क्या होता है, प्रेरक होता है। ठीक है, ये चौक में क्या होता है, उच्च प्रेरकीय प्रतिघात होता है। और इसे लोह पत्तियों से निर्मित कोर पर तांबे का इनेमल्ड तार लपेट कर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं अपन इसको, जो भी लोहे की पत्तियाँ होती है उस पत्तियों के ऊपर क्या किया जाता है, तांबे का तार लपेट दिया जाता है। तांबे का तार भी क्या होता है, इनेमल्ड होता है, यानी एक वार्निश से आलेपित होता है। ठीक है, वो क्या कर देते हैं, इसके ऊपर लपेट कर तैयार कर दिया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, एसी परिपथ में वोल्टेज घटाना व विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करना। अब जो ये चौक होता है, चौक क्या करता है, एसी कार्य परिपथ में वोल्टेज घटाता है, क्योंकि ट्यूबलाइट जो होती है हमेशा 110 वोल्टेज पर ही कार्य करती है। जो ट्यूबलाइट का डंडा होता है वो 40 वोल्टेज का ही होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, और धारा के मान को क्या करता है, दूसरी चीज़ नियंत्रित रखता है। अब इसी का दूसरे तो सामान्य चौक था, इसी का आता है दूसरा इलेक्ट्रॉनिक चौक, जो आजकल अधिकतर काम में लिया जाता है। ऐसे चौकों में क्या होता है, अपने को जो भी स्टार्टर की आवश्यकता भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक चौक आजकल ऐसे आने लगे जिसमें स्टार्टर लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, ऑटो स्टार्ट होते हैं वो, जो सेल्फ स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, ट्यूब में डिस्चार्जिंग क्रिया प्रारंभ हो जाने के बाद ये परिपथ ट्यूब को निम्न वोल्टेज यानी कि 100 वोल्टेज पर स्टार्ट रखता है। इलेक्ट्रॉनिक चौक क्या करते हैं, जैसे ट्यूब में अगर डिस्चार्जिंग क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो प्रारंभ हो जाने के बाद यह क्या करता है, ये परिपथ ट्यूब को निम्न वोल्टेज यानी कि 100 वोल्टेज पर क्या करता है, उसको स्टार्ट रखता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है इसी में कि इससे विद्युत की खपत सामान्य चौक की तुलना में 40% तक कम होती है। अब जो ये सामान्य चौक पढ़ाया था मैंने, ऊपर बताया था आपको, उसकी वजह इसमें क्या होती है, पहली चीज़ तो विद्युत धारा खपत भी कम होती है। कितनी खपत कम होती है, 40% तक खपत इसकी कम होती है विद्युत धारा की। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है, इस परिपथ का शक्ति गुणांक भी 0.98 होता है। कितना होता है, 0.98 होता है। तो आपको एक तो ये पावर फैक्टर इसका ध्यान रखना है, कि इलेक्ट्रॉनिक चौक का पावर फैक्टर कितना होता है, 0.98 होता है। दूसरी चीज़ में विद्युत धारा की खपत की कितनी कम होती है, विद्युत धारा की शक्ति को कितना बचाया जा सकता है, 40% तक बचाया जा सकता है, 40% कम होती है। ठीक है, अब देखो ये चौक किस वाटेज में उपलब्ध होती है, 10, 20, 40 और 80 वाटेज की शक्ति में ये चौक उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होते हैं अपने पास चौक इसके होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। ट्यूब आप सब जानते हैं, जो अपने को रोशनी देती है, ट्यूबलाइट का डंडा जो होता है, रोड अपन बोलते हैं, वही क्या होता है अपना फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है। ये 1 से 5 फुट लंबाई में तथा 2 से 4 सेमी व्यास में होती है। किस्म तक कितनी होती है, 1 से 5 फुट लंबाई में और 2 से 4 सेंटीमीटर व्यास में होती है, यानी इसकी ट्यूब होती है। ये 1 से 5 फुट लंबाई में तथा 2 से 4 सेमी व्यास में होती है। किस्म तक कितनी होती है, 1 से 5 फुट लंबाई में और 2 से 4 सेंटीमीटर व्यास में होती है, यानी इसकी चौड़ाई जो मोटाई जो होती है वो 2 से 4 सेमी होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, इसकी आंतरिक सतह पर क्या किया जाता है, प्रावैंगनी प्रकाश किरणों में प्रकाश किरणों को प्रदीप्ति में परिवर्तित करने वाले पदार्थ की परचड़ी होती है। यानी इसमें क्या होता है, जो आंतरिक सतह होती है ट्यूबलाइट का, जो रोड होता है, ठीक है, मान लो ये रोड है, अब इसके अंदर की ओर, इसके जो अंदर रिफिल है उसकी तरफ क्या किया जाता है, इसमें एक प्रावैंगनी किरणों वाली परचड़ आई जाती है। ठीक है, जो क्या करती है, प्रावैंगनी किरणों को प्रदीप्ति में परिवर्तित करती हो, क्या करती हो, कि जो भी ये किरणें होती, जो परचड़ आई जाती है वो क्या करती है, जो भी प्रदीप्ति की किरणें होती है, ठीक है, प्रावैंगनी किरणें, उसको क्या करती है, प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। और वो भी कौन से पदार्थ की परचड़ आ जाती है, मैग्नीशियम टंगस्टेड की। ठीक है, किसकी परचड़ आ रहे हैं अपन, मैग्नीशियम टंगस्टेड की परचड़ आ रहे हैं। और नली में कितनी एमएम पर वाष्प भरी जाती है, ठीक है, ये देखो नली में कितनी होती है, 2.5 mm वायुमंडलीय दाब पर मरकरी की वाष्प तथा आर्गन गैस का मिश्रण भरते हैं।
क्या होता है इसमें नली में 2.5 mm वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है मरकरी की वाष्प तथा आर्गन गैस का मिश्रण भरा होता है। इस तरीके से क्या करते हैं अपन उसको फ्लोरोसेंट ट्यूब को तैयार करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इस नली में मरकरी की वाष्प की मात्रा लगभग कितनी होती है, 25 mg से लेकर 50 mg तक होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ आगे इसमें क्या होता है कि जो भी मरकरी की वाष्प की मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है, 25 mg से लेकर 50 mg तक होती है। ये परिपथ ऑन होने पर उच्च इंडक्टेंस के कारण परिपथ में से कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही इस परिपथ को ऑन करते हैं अपन तो इसमें क्या होता है उच्च इंडक्टेंस होता है और उस उच्च इंडक्टेंस के वजह से क्या होता है इस परिपथ में विद्युत धारा होती है वो क्या होती है कम प्रवाहित होती है। ठीक है, क्या होता है इसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है। और चौक क्या करता है उच्च रिएक्टेंस के कारण ही क्या करता है फिलामेंट के बीच उच्च विभवांतर यानी उच्च विभवांतर में कितनी लगभग 1000 वोल्ट विकसित होती है। कितनी वोल्टेज विकसित होती है 1000 वोल्टेज। किसके कारण होती है उच्च रिएक्टेंस के कारण, किसके बीच होती है फिलामेंट के बीच। अब आपको इसी में ये पूछ लेगा कि जो ट्यूबलाइट के ट्यूबलाइट में जो उच्च विभवांतर पैदा होता है 1000 वोल्ट वो किस कारण होता है, किसके कारण होता है वो जो चौक होता है उस चौक में उच्च रिएक्टेंस के कारण होता है और किस बीच फिलामेंट के बीच में होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसकी विशेषता। अब देखो विशेषता में क्या होता है जो कार्यरत अवस्था में क्या होता है 40 वाट की ट्यूब में से लगभग कितनी मिली एम्पीयर प्रवाहित होती है 430 मिली एम्पीयर प्रवाहित होती है। ये फिक्स है 40 वाटेज इसलिए बताया गया है कि अब इसमें क्या होता है अधिकतर अपन 40 वाटेज की ट्यूब ही जो होती है वो ही काम कितने वाटेज लेते हैं 40 वाटेज अधिकतर में लेते हैं इसीलिए उसकी जो होती है कितनी होती है 430 मिली एम्पीयर होती है। 40 वाटेज का जो डंडा होता है रोड 430 मिली एम्पीयर प्रवाहित होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ इस ट्यूब की दक्षता कितनी होती है, इस ट्यूब की जो दक्षता होती है वो 60 लूमन प्रति वाट होती है। ठीक है, 40 वाटेज वाले ट्यूब की दक्षता कितनी होती है 60 लूमन प्रति वाट होती है। इसकी आयु जो होती है 5000 से लेकर 7500 कार्य घंटे होती है यानी लगभग 5000 से लेकर 7500 घंटे तक कार्य करती है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें हानि बताई गई है कि ये क्या होता है जो इसमें एक स्टार्टर होता है वो एक मोस्ट काम में ले जाते हैं, अच्छा ही काम में ले जाता है जो एक पहले से फिक्स होता है ये ही काम में लेना। अब इस लैंप में क्या होता है प्री हीट इंस्टेंट स्टार्ट रैपिड स्टार्ट की आवश्यकता होती है। इसकी एक हानि होती है कि अगर अपने को डालना लेना है तो ये ही काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इस फ्लोरोसेंट उनके पदार्थ और मैं आपको कुछ बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो ये छह उसमें क्या होता है कि एक जो जो रुतमान रंग होता है दूसरे से तरंग दे रही है वो फिक्स होती है। ठीक है, वो देखो क्या होता है और ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपके अधिकतर पूछी जाती है क्वेश्चनों में एग्जाम में यहाँ भी पूछी जाती है, आईटी के एग्जाम में भी और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछी जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है जो फ्लोरोसेंट पदार्थ होता है वो सबसे पहले होता है देखो कैल्शियम टंगस्टेड होता है। अगर मैं मान के चलो कोई भी रोड है और उस रोड में अगर कैल्शियम टंगस्टेड पदार्थ भर रहा हूँ या प्रमैंगनी जो सॉरी परिवर्तित करने वाली जो किरणें होती है पदार्थ होता है को किसको परिवर्तित करने वाले प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने वाली जो टंगस्टेड होता है। अगर मैं मान के चलो कोई भी रोड है और उस रोड में अगर कैल्शियम टंगस्टेन पदार्थ भर रहा हूँ या प्रमैंगनी जो सॉरी परिवर्तित करने वाली जो किरणें होती है पदार्थ होता है को किसको परिवर्तित करने वाले प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने वाली जो पदार्थ होता है अगर उसमें मैं आप ये पदार्थ काम लेता हूँ कैल्शियम टंगस्टेड तो उसमें नीला रंग उत्पन्न होगा। जो भी रोड होगी वो कौन सा रंग उत्पन्न करेगी नीला रंग उत्पन्न करेगी। ठीक है, नीले के साथ में उसके तरंगदैर्ध्य कितनी होती है 4400 तरंगदैर्ध्य होती है जो किस में मापी जाती है एंगस्ट्रोम में। ये इसकी क्या होता है एंगस्ट्रोम होता है, ये एंगस्ट्रोम का सिंगल है। दूसरी चीज अगर दूसरी चीज़ अगर मैग्नीशियम टंगस्टेड अगर काम ले रहा हूँ तो कौन सा रंग उत्पन्न होगा नीला सफ़ेद उत्पन्न होगा और उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होगी 4800 तरंगदैर्ध्य होगी।
तीसरी चीज जिंक सिलिकेट है, अगर जिंक सिलिकेट कहाँ में लेता हूँ तो हरारम उत्पन्न होगा और वो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी 5250। तीसरी चीज जिंक बेरिलियम सिलिकेट है, जिंक बेरिलियम अगर सिलिकेट उतने काम में लेते हैं अपन कोई पदार्थ उसमें नील पीला स्पेद उत्पन्न 5950 इसकी क्या होती है तरंग दैर्ध्य होती है। कैडमियम सिलिकेट अगर उत्पन्न करते हैं तो उसमें पीला गुलाबी उत्पन्न होता है, सफेद की जगह क्या होता है गुलाबी रंग उत्पन्न होता है और उसकी कितनी होती है 5950 तरंग दैर्ध्य होती है। छठी चीज़ है कैल्शियम कैडमियम बोरेट, कैडमियम बोरेट कौन सा रंग होता है गुलाबी गुलाबी होता है तो उसमें कितनी होती है तरंग दैर्ध्य 6150 होती है। इस तरीके से क्या होती है इनकी तरंग दैर्ध्य होती है। अब देखो फ्लोरोसेंट ट्यूब का डीसी पर संयोजन, अपन डीसी पर संयोजन तो करते हैं लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ कमी होती है, कुछ कमी की वजह से क्या होता है वो जब भी देखा होगा कि डीसी पर जो रोड होती है वो रोड क्या होती है उसके फिलामेंट के फिलामेंट की तरफ से क्या होते हैं दोनों ब्लैक ब्लैक हो जाती है, काला पड़ जाती है या धुंधला हो जाता है। वो इसी कारण से होता है कि उसका डीसी पर क्या होता है संयोजन करना काफ़ी नुकसानदायक होता है और लंबे समय तक वो टिक नहीं पाती है, चल तो जाती है लेकिन लंबे समय तक नहीं टिक पाती। अब देखो इस ट्यूब का डीसी पर संयोजन करने पर कार्य सही तरीके से नहीं हो पाता, सही तरीके से नहीं हो पाता क्यों नहीं हो पाता क्योंकि ये क्या करती है विद्युत शक्ति की अधिक व्यय करती है। ये क्या डीसी पर क्या करता है विद्युत शक्ति का अधिक व्यय होता है, खपत होती है और इसके कार्यकारी आयु जो होती है वो क्या होती है घट जाती है। विद्युत शक्ति की अधिक खपत होने के कारण से कार्यकारी आयु क्या होती है घट जाती है और डीसी के चौक में रिएक्टेंस नहीं होने की वजह से क्या होता है विद्युत धारा को नियंत्रित नहीं कर पाती है। क्या होता है डीसी के में चौक में क्या होता है रिएक्टेंस नहीं हो पाता, डीसी के चौक में रिएक्टेंस हमेशा एसी में होता है डीसी में नहीं होता, इसी वजह से क्या होता है वो विद्युत धारा को नियंत्रित नहीं कर पाती और नहीं करने की वजह से क्या होता है इसमें से विद्युत धारा अधिक जा पाती है और अधिक व्यय होती है इसीलिए क्या होता है वो खराब हो जाती है काली काली पड़ जाती है। ठीक है अब इसमें देखो एक मोस्ट चीज़ होती है कि और इसमें क्या होता है इसको स्टार्टर की जगह क्या होता है पुश बटन स्विच का प्रयोग करना पड़ता है। स्टार्टर की जगह किसका प्रयोग करना पड़ता है अपने को इसमें पुश बटन स्विच का प्रयोग करते हैं, इसीलिए क्या करना चाहिए कि डीसी पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोई खास जरूरत हो तो ही करना चाहिए और करते भी है तो इसी वजह से क्या होता है कि डीसी पर जो ट्यूबलाइट होती है वो अधिक समय तक नहीं टिक पाती, जल्दी ख़राब हो जाती है। अब देखो विशेष प्रकार के जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है वो देखो उसमें क्या होता है कि रैपिड स्ट्रेस, सबसे पहले जो पीछे जैसे आया था मैंने आपको बताया था कि एक हानि बताई थी इसी की कि उसमें जो रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब है इंस्टेंट स्टार्ट है वही काम में लेते हैं, वो क्यों काम में लेते हैं वो एक हानि बताई थी उसमें, अब उस उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है सबसे पहले आता है रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसमें क्या होता है इस प्रकार के ट्यूब के साथ ट्रांसफार्म प्रकार का बेलास्ट यानी चौक प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ट्यूब होती है उसके साथ क्या करते हैं ट्रांसफार्म प्रकार का अपन क्या करते हैं बेलास्ट प्रयोग करते हैं। ठीक है बेलास्ट प्रयोग करते हैं और इसकी प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में से क्या कहते हैं फिलामेंट को गर्म करने के लिए निम्न वोल्टेज वाले टैपिंग्स निकाली जाती है। इसके फिलामेंट को गर्म करने के लिए क्या किया जाता है जो ट्रांसफार्मर प्रयोग हो जाता है उस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में से क्या किया जाता है फिलामेंट्स को गर्म करने के लिए निम्न वोल्टेज यानी कम वोल्टेज वाले टैपिंग्स निकाल दी जाती है और फिर क्या किया जाता है उसको ट्यूब को संयोजित किया जाता है। और इस ट्यूब में संयोजन बेलास्ट के काले सिरे को फेज से संयोजित करते हैं और जो ट्यूबलाइट होता है ट्यूबलाइट का जो काला सिरा होता है हमेशा जब कि काला न्यूट्रल के लिए काम में लिया जाता है आपने नियमों में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें क्या होता है अलग तो अलग होता है और अलग में क्या होता है इसमें कि जो भी है अपना अब देखो इसमें अलग क्या होता है कि जो भी अपना बेलास्ट होता है वो अगर अपन जैसे मान के चलो अब देखो इसमें क्या अलग होता है और इस ट्यूब के संयोजन बेलास्ट के काले सिरे को फेज से संयोजित करते हैं। इसमें क्या होता है जबकि आपने देखा होगा कि फेज से संयोजित करने के लिए किस वायर का प्रयोग किया जाता है रेड वायर का प्रयोग किया जाता है जो लाल सिरा होता है उसको संयोजित किया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है काला सिरा होता है उसको फेज से संयोजित किया जाता है, ये ध्यान रखना हमेशा इसमें अलग चीज़ यही होती है। अब देखो अब आता है इंस्टेंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब, अब इसमें देखो क्या होता है इस ट्यूब में छोटे फिलामेंट प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो इंस्टेंट में क्या होता है इंस्टेंट का मतलब ही क्या होता है छोटा तुरंत गर्म करने वाला होता है। इस ट्यूब में क्या होता है छोटे फिलामेंट प्रयोग करते हैं
और इनका संयोजन सिरा एक ही रखा जाता है, ठीक है। संयोजन सिरा क्या हो जाता है, रखा जाता है इनका एक ही रखा जाता है, और फिलामेंट्स को एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर द्वारा उच्च वोल्टेज प्रदान करते हैं, और फिलामेंट को क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर द्वारा उच्च वोल्टेज प्रदान करते हैं, जिससे वह तुरंत लाल गर्म होकर क्या होता है, स्टार्ट हो जाए, जिससे वो तुरंत गर्म होकर क्या होता है, लाल गर्म हो जाता है, यानी स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से क्या करते हैं अपन, ये काम में लेते हैं, ठीक है। अब दोनों प्रकार के जो ये स्टार्टर होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, वो कहाँ प्रयोग की जाती है, सार्वजनिक स्थानों पर ही काम में ली जाती है, सार्वजनिक स्थानों की प्रकाश व्यवस्था में काम ली जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ाऊँगा आज के लिए, ठीक है। और लाइक कमेंट जरूर करें।